हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। बड़ा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट टू। पार्ट वन हमने डिस्कस कर लिया है। बड़ा डी ब्लॉक्स में कई तरह क्वेश्चन आते हैं, कॉन्फिगरेशन पर, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर, उसके कंपाउंड्स पर, और उसका जो मेन पोर्शन है क्वेश्चन पूछाने का वो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ हम सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और उसकी जो रिएक्शंस हैं, मतलब कि डी ब्लॉक्स के कंपाउंड्स की, उसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हम अलग डिस्कस करेंगे। यहाँ कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं। आज उसका दूसरा पार्ट है। इसमें थोड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी एक क्वेश्चन कभी दो क्वेश्चन आता है, और ज्यादातर होता क्या है कि हम लोग इसे छोड़ देते हैं कि लास्ट में पढ़ लेंगे, लास्ट में पढ़ लेंगे, और लास्ट में करते करते जब एग्जाम समय आता है तो इतना रिविजन का लोड रहता है कि ये टॉपिक छूट जाता है। वहां पर क्वेश्चन आता है तो कभी याद आता है, कभी नहीं आता, तो क्वेश्चन छूट जाता है या फिर गलत आंसर आउट होता है। इसलिए बहुत छोटा टॉपिक है, दो वीडियो है छोटे छोटे, आप दोनों को एक बार देखिए, एक दो बार देखेंगे तो आप मुझे याद है नहीं। एग्जाम के समय लास्ट में यदि आप 15 मिनट रिवाइज कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं आप इंटरस्टीशियल कंपाउंड। क्यों समझा इंटरस्टीशियल कंपाउंड में क्या होता है? एक्चुअली मेटल आपका सॉलिड है, उसमें लैटिस साइड्स होती हैं। लैटिस साइड्स में क्या होता है, कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जैसे कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह उस इंटरस्टीशियल साइड पर हो जाते हैं, मतलब ये पोजीशन ले लेते हैं, जिससे क्या होता है उनकी जो मेटल की बाकी प्रॉपर्टीज तो जो है कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब तो रहती है, साथ में उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, रिजिड ज्यादा हो जाता है, तो प्रॉपर्टी इंप्रूव्ड होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है? इंप्रूव्ड होती है। तो उसी को डिस्कस करते हैं। कंपाउंड्स इन विच स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, कार्बन, बोरॉन या हीलियम ऑक्युपाई द इंटरस्टीशियल साइड इन देयर लैटिस, ऑक्युपाई द इंटरस्टीशियल साइड इन देयर लैटिस एंड ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड विद देम, पोजीशन भी लेता है और उनके साथ बॉन्ड भी फॉर्म करता है, बॉन्ड विद देम नोन एज हाइड्राइड। यदि हाइड्रोजन का बड़ा इंटरस्टीशियल कंपाउंड होगा उसको हाइड्राइड बोलेंगे, कार्बन का होगा कार्बाइड, बोरॉन का होगा बोराइड, नाइट्रोजन का होगा नाइट्राइड कहते हैं, एटसेट्रा। हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? इंक्रीज हो गया, हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट मेटल है उससे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है। देन प्योर मेटल, प्योर मेटल इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। इंटरस्टीशियल जो आपका कंपाउंड होगा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो प्योर मेटल से ज्यादा होगा। रिटेन देयर मेटालिक कंडक्टिविटी, इसके साथ है ध्यान रखना उसकी मेटालिक कंडक्टिविटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो रिटेन रहती है। केमिकल इनर्टनेस इंक्रीज हो जाती है, केमिकली क्या होता है? इनर्ट होता है, हार्ड होता है, रिजिड होता है, तो इंडस्ट्रियली ये क्या है? इंडस्ट्री है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है इंडस्ट्रियल कंपाउंड। अगला पॉइंट क्या होता है? ऑक्साइड्स की बात हम करते हैं, यानी डी ब्लॉक्स एलिमेंट के ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पर क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ मेटल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू और ग्रेटर देन प्लस 5 यदि है, जैसे M2O5 में क्या होगा? M+5 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 है, तो M2 किस स्टेट में? +5 स्टेट में। MO3 में ऑक्सीजन प्लस 6 स्टेट में, मतलब मेटल प्लस, यहां पर स्टेट क्या है? यहां पर मेटल की स्टेट +5 है, यहां पर +6 है, और इसमें क्या है? +7 है, मतलब या तो इक्वल टू या तो हायर देन +5 स्टेट में रहेगा, तो जो आपका ऑक्साइड होगा वो क्या होगा? वो जंगली एसिडिक नेचर का, जंगली क्या होगा? एसिडिक नेचर का होगा। कब? जब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 5 हो और ग्रेटर देन 5 हो, तो आपका ऑक्साइड जो होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। क्या होगा? एसिडिक नेचर का होगा। और ऑक्साइड्स ऑफ मेटल इन देयर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब 4 हो तो क्या होगा? मेटल्स आर जनरली एम्फोटेरिक, यानी क्या होगा? एम्फोटेरिक नेचर होगा। यानी यदि जो मेटल ऑक्साइड है आपका डी ब्लॉक का मेटल ऑक्साइड है वह ऑक्सीडेशन स्टेट 5 या मोर देन 5 में हो तो वो क्या होता है? वो होता है एसिडिक ऑक्साइड। और यदि 4 हो मतलब इंटरमीडिएट स्टेट है उसकी 4 हुई, यदि 4 में है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपका क्या होगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होंगे। तो यदि आपको ऑक्साइड दे रखे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के, आपको उसमें पहचानना है कि आपका एसिडिक कौन सा होगा, सीधी बात इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होगी, मोर देन 5 होगी वह क्या होगा? एसिडिक होगा। और इसमें 4 अराउंड होगी वो क्या होगा? वो आपका होगा एम्फोटेरिक। आगे बात करते बेटा, फ्लोराइड्स ऑफ मेटल आर आयनिक, ये ध्यान रखिए मेटल फ्लोराइड जो होता है वो होता है आयनिक, और उसका आयनिक करेक्टर डिक्रीज करेगा फ्लोराइड से आयोडीन की तरफ, यानी फ्लोराइड सबसे अधिक आयनिक, सॉरी क्लोराइड उससे कम आयनिक, ब्रोमाइड उससे कम, और आयोडाइड सबसे कम, यानी कहा है तो फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ जाने पर आयनिक करेक्टर डिक्रीज करेगा और कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज करेगा। तो वही क्या बेटा, आयनिक करेक्टर डिक्रीज करने क्या है ट्रेंड? मेटल फ्लोराइड सबसे ज्यादा आयनिक, उससे कम क्लोराइड, उससे कम ब्रोमाइड, और सबसे कम आपका आयनिक करेक्टर होगा मेटल आयोडाइड में, यानी कहा जाए तो वह कोवेलेंट कंपाउंड होगा। जैसे देखिए एग्जांपल दिया है,
आपका CuF2 मतलब क्यूप्रिक फ्लोराइड है, CuF2 क्या है, क्यूप्रिक फ्लोराइड इज आयनिक, जबकि क्यूप्रिक क्लोराइड और क्यूप्रिक ब्रोमाइड क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। देखिए फ्लोराइड आपका आयनिक है, दूसरा क्लोराइड और ब्रोमाइड क्या हो बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड है। मेटल सल्फाइड्स आर, ये सब पॉइंट्स आपको बना के दिए गए ताकि आप याद रखें। अगला पॉइंट क्या बताया हमने, मेटल सल्फाइड्स आर यूजुअली कलर्ड है, मेटल सल्फाइड ज्यादा क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, ये ध्यान रखना, मेटल सल्फाइड क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, एंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ज्यादातर वह वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। उसके अलावा आपको कुछ बता रहा है आयरन के बारे में, एक्चुअली आयरन डी ब्लॉक एलिमेंट में ही है और 26 इसका एटॉमिक नंबर होता है। उसमें कोई पूछता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन या इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन का पूछा गया, इसलिए हमने उसके तीन फॉर्म जो ज्यादा फेमस है उसकी बात की है, उसे कंपोजिशन भी पूछा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। क्या होगा आयरन में पहला नंबर आता है पिग आयरन, पिग आयरन में क्या होगा यह इम्प्योरेस्ट फॉर्म है, सबसे अधिक इम्प्योर फॉर्म है, कौन सा, पिग आयरन। प्रॉपर्टीज इसकी और प्योरिटी लेवल आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, नाम इम्प्योर है कि प्योर है और उसमें इम्प्योरिटी जो है वो मेजर किसकी है, कितने परसेंट, इसको ध्यान रखना है। तो पिग आयरन बेटा क्या होता है, इम्प्योरेस्ट फॉर्म है, सबसे अधिक इम्प्योर फॉर्म कौन सा है, पिग आयरन है। आयरन कंटेंट 4% कार्बन, इसमें क्या होता है इम्प्योरिटी जो है कार्बन की कितनी है, 4%। इसके साथ साथ मैग्नीज भी है, सिलिकॉन भी है, सल्फर है और फॉस्फोरस है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, क्या होता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, किसका, पिग आयरन का। पिग आयरन आपका इम्प्योरेस्ट फॉर्म है, उसमें जो इम्प्योरिटी है कार्बन की 4% है, इसके साथ ही मैग्नीज सिलिकॉन सल्फर और फॉस्फोरस भी उसमें एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। नेक्स्ट आयरन आपका कास्ट आयरन, दूसरा आपका क्या, कास्ट आयरन, बहुत ध्यान से कास्ट आयरन पर आप देखते होंगे जो भी सीवेज पाइप लाइन बनती में लगे होते हैं और आपके घर में जो सीवर यूज किया जाता है वो सब कास्ट आयरन के होते हैं, ढक्कन होता है उसका जो आपके सीवर में होल होते हैं वो किसके, कास्ट आयरन के बने होते हैं, स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होती है, क्रोजन उसमें नहीं होता है, लेकिन उसकी समस्या यही है हार्ड होता है और ब्रिटल होता है, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है मजबूत तो होगा लेकिन वो क्या ब्रिटल होता है, भंगुर हो जाता है टूटने पर। ध्यान रखिए पिग आयरन कैसे बनता है, कैसे कास्ट आयरन, पिग आयरन प्लस स्क्रैप आयरन जो आपका निकलता है, स्क्रैप आयरन और कोक मिलाकर बनाते हैं इसको, क्या क्या लगता है, पिग आयरन प्लस स्क्रैप आयरन प्लस कोक मिलाकर फॉर्म होता है। इट कंटेंट 3% कार्बन, मतलब देखिए इसमें इम्प्योरिटी थोड़ा कम हुई, पिग आयरन में 4% थी, यहाँ पर 3% है। एक्सट्रीमली हार्ड, हार्ड बहुत होता है लेकिन ये क्या होता है, ब्रिटल नेचर होता है, भंगुर होता है, मतलब गिरने पर टूट जाता है, तो इसका जो हार्डनेस होगी लेकिन गिरने पर क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ब्रिटल होता है। अगला आपका लास्ट जो है, पहला और लास्ट तो खास ध्यान रखिए, ये क्या आपका रट आयरन, रट आयरन क्या होता है आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, कौन सा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है आपका थर्ड वाला, तो आपको तीनों ध्यान रखने हैं, सबसे प्योर कौन है, सबसे प्योर कौन है, हार्ड है लेकिन ब्रिटल नेचर है, ये आपको ध्यान रखना है तीनों का, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज टिक कर दिया है, पिग आयरन ये तो दोनों ध्यान रखिए, कॉपी कर लिए बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, बेटा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे ये लो स्क्रीनशॉट। अब चीजें बस आपको सुननी है बेटा, क्योंकि आप जो चीजें सुनते हैं तो आपके दिमाग में वो धीरे घुसती है और आपको धीरे चीजें याद रहती हैं, पढ़ना और देखना और सुनना तीनों एक साथ जब होता है तब चीजें ज्यादा देर तक टिकती हैं और आपको चीजें याद रहेंगी। धीरे धीरे करके हम लोग अपने सिलेबस आगे बढ़ा रहे हैं, आपको बस करना क्या है, रेगुलर पढ़ना है, वीडियो रेगुलर देखना और साथ में रिविजन भी बना के रखना है, इसका ध्यान रखिए। अगला पॉइंट जो आपको याद करना है वो ये है, थोड़ा इस पर भी कोई क्वेश्चन आता है, कई बार इसका बात हो चुका है, वो क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको पता ही है, AgNO3 ऑल्सो कॉल्ड लूनार कास्टिक, सिल्वर नाइट्रेट को बेटा लूनार कास्टिक भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, because when it comes in contact with skin, जब स्किन के संपर्क में आता है, it produces burning sensation,
बर्निंग का अपना जलन की अनुभूति होती है, जलन से महसूस होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लूनार कास्टिक। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि चार ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें लूनार कास्टिक कौन है, तो आपको ध्यान रहेगा तभी आप पिक कर पाएंगे कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को लूनार कास्टिक भी कहते हैं। ओके बेटा, सिल्वर को लूनार कास्टिक भी कहते हैं। और अगली रिएक्शन जो आपको रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, वो ये रिएक्शन पूछी गई है, इसमें मतलब प्रोडक्ट पूछा गया है, ये आपका क्या है, Na2S2O3 बेटा, क्या है ये, हाइपो वाली रिएक्शन है। हाइपो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, हाइपो को यूज करते हैं फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में यूज करते हैं AgBr के साथ। ये क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉम्प्लेक्स का नाम भी पूछा गया था, कॉम्प्लेक्स मतलब स्ट्रक्चर उसका। ऑप्शन दे रखा है कि हाइपो जब AgBr से रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, और प्लस NaBr, प्लस NaBr, ये क्या होगा आपका, ये कॉम्प्लेक्स। तो पूछता है, पूछा गया था हाइपो जो है क्या करता है, तो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का नाम है इसका, इसका नाम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का है, या फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, इसलिए मैं लिख रहा हूं दिस रिएक्शन यूज्ड इन फोटोग्राफी में रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये रिएक्शन पूरी पूरी याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हाइपो कहते हैं, Na2S2O3, आपको फॉर्मूला को याद होना चाहिए, AgBr रिएक्शन करेगा, एक्वस मोलर रिएक्शन होगी, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इसका फॉर्मूला क्या है, Na3AgS2O3 का होल ट्वाइस प्लस NaBr। अगला बेटा कुछ और सुन समझिए, लिथोफोन का फॉर्म पूछ सकता है, लिथोफोन क्या है बेटा, लिथोफोन का जो है वो आपका है ZnS प्लस BaSO4 को बोलते हैं लिथोफोन, क्या बोलते हैं, लिथोफोन। अगला पॉइंट जो ध्यान रखना है, इसी तरह पूछिए, ध्यान रखनी है, जिंक सल्फेट को और क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा व्हाइट विट्रियोल, क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट को बोलते हैं व्हाइट विट्रियोल। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है ZnSO4.7H2O। तो आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है, आपको फॉर्मूला याद रखना है कि व्हाइट विट्रियोल का फॉर्मूला कौन सा है, चार फॉर्मूले दे देंगे आपको ध्यान होगा तभी कर पाएंगे, ZnSO4 जिंक सल्फेट डॉट 7H2O, 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, हाइड्रेटेड वाटर है, तो जिंक सल्फेट डॉट 7H2O किसका फॉर्मूला होता है, जिंक सल्फेट या व्हाइट विट्रियोल का फॉर्मूला है। अगला बेटा आपका ब्लेजर कॉपी हो गया, कॉपी कर लिया, बस पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूं मैं, ताकि आप पॉइंट वाइज याद रखें, बाकी इसके कंपाउंड्स के डिटेल और उसके रिएक्शन वगैरह हम लोग कोऑर्डिनेशन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका है नेस्लर्स रिएजेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले तो नेस्लर रिएजेंट आपको पहचानना चाहिए कि नेस्लर रिएजेंट है कौन, थोड़ा ये होता क्या है, एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ K2HgI4, बहुत ध्यान समझो बेटा, K2HgI4 इसको कैसे लिखते हैं, मैं इसको पैटर्न लिख रहा हूं, एल्केलाइन K2HgI4 ऐसे लिखा जाएगा, एल्केलाइन K2HgI4, ठीक है, एल्के लिखा होता है नॉट सी, एल सी लिखा होगा तो एल्कोहलिक हो जाएगा, एल्के डॉट एल्केलाइन K2HgI4 आपका क्या है, नेस्लर रिएजेंट, क्या बेटा, नेस्लर रिएजेंट है और कॉल्ड नेस्लर रिएजेंट इसको क्या बोलते हैं, नेस्लर रिएजेंट कहते हैं। एंड अगला इंपॉर्टेंट, एंड इज यूज्ड टू टेस्ट,
एंड इज यूज टू टेस्ट अमोनियम आयन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यूज कहां करते हैं। पहली बात तो नेशनल एड का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। बात नंबर एक, क्या होगा आपका एल्कलाइन K2HGI4 फॉर्मूला याद होना चाहिए, नेशनल एड पहचानने के लिए आता है। फिर यूज क्या करते हैं, अमोनियम आयन के डिटेक्शन में, आइडेंटिफिकेशन में यूज करते हैं नेशनल एजेंट का। अगला बेटा हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट सबका इसमें कंपाउंड, वो आपका क्या है, वो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या सूत्र है बेटा इसका, K2Cr2O7। क्या है, K2Cr2O7। अब इसमें आपको ध्यान रखना है ऑरेंज ऑरेंज रेड ऑरेंज रेड कलर्ड क्रिस्टल्स क्रिस्टल्स सॉल्युबल सॉल्युबल इन वाटर सॉल्युबल इन वाटर। क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है बेटा, क्योंकि यानी कंपाउंड आपका है K2Cr2O7। ध्यान रखना बेटा, जरा समझिए मैं बोल रहा हूँ, बताऊंगा अभी कि इसमें जो क्रोमियम है वो +6 स्टेट में, किसमें बेटा यहाँ पे क्रोमियम जो है वो +6 में है, +6 में मतलब D0 इलेक्ट्रॉन है। इसका जो कलर है, इसका जो कलर है वह डीडी ट्रांजिशन से नहीं है, क्योंकि D0 इलेक्ट्रॉन तो डीडी ट्रांजिशन होगा ही नहीं। कलर किसकी वजह से, इसका कलर है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। कौन सा ट्रांसफर, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, मतलब फ्रॉम ऑक्सीजन टू क्रोमियम। ये ध्यान रखिए, मैं बता दिया आपको कि K2Cr2O7 का कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर है, ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन नहीं है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कलर जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर है फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। ओके, अब हम अगली बात करते हैं इसमें, इस पर क्वेश्चन पूछा गया इन सॉल्यूशन डाइक्रोमेट इन सॉल्यूशन डाइक्रोमेट Cr2O7-2- एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम with chromate ions Cr4-2-. Cr4-2-. देखिए बेटा क्या है, Cr2O7-2- क्या होता है, ऑरेंज कलर। बहुत ध्यान से सुनिए बेटा, और इसका H2O ये मतलब बेटा आपका क्या हुआ, H माइनस मतलब अल्कलाइन होगा जब सोल्यूशन आपका, और H प्लस का मतलब एसिडिक होगा। देखिए जो आपका राइट साइड जा रहा है वो अल्कलाइन सोल्यूशन के लिए है, और जो लेफ्ट साइड जा रहा है वो H प्लस मतलब एसिडिक सोल्यूशन के लिए है। वो H माइनस अल्कलाइन सोल्यूशन है, H प्लस मतलब एसिडिक सोल्यूशन है। 2Cr4-2- प्लस 2H+ ये होता है येलो, क्या होता है येलो। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछे कि अल्कलाइन सॉल्यूशन में कलर क्या होगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन में यदि यहाँ पर क्या हो तो येलो होगा, और एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, ऑरेंज होगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट का अल्कलाइन सॉल्यूशन में कलर क्या होगा, येलो। देखिए फॉरवर्ड डैश में क्या है, ओएच माइनस है येलो, और बाइपर डैश में क्या एक्चुअली लिखा है, अल्कलाइन में मतलब एसिडिक में क्या होगा, ऑरेंज। से कॉपी कर लीजिए, मैं आपको बता दूं, इधर कहोगे कॉपी। इसमें क्वेश्चन आ चुका है कि सोडियम डाइक्रोमेट का अल्कलाइन सॉल्यूशन में कलर क्या होता है, तो येलो कलर होता है बेटा। क्या कलर होता है, येलो कलर। सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट का अल्कलाइन सॉल्यूशन में कलर क्या होता है, येलो। क्वेश्चन है इन अल्कलाइन सॉल्यूशन Equilibrium. भाई ये equilibrium पे है, जैसे आप उसमें डालेंगे अल्कली शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो येलो, शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड सॉल्यूशन इज येलो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या होगा, येलो होगा कलर, क्योंकि सब आपका रिएक्शन आ गया फॉरवर्ड रिएक्शन में। और अगला पॉइंट देखिए, इन एसिडिक मीडियम क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे कि आपसे उसने
अल्कलाइन मीडियम में पूछा है या एसिडिक मीडियम पूछा है, तो एसिडिक मीडियम में क्या हो गया, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड द एंड द सॉल्यूशन इज ऑरेंज, क्या होगा ऑरेंज कलर होगा, तो अल्कलाइन होगा तो आपका येलो कलर होगा, एसिडिक होगा तो ऑरेंज कलर होगा, तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला पॉइंट देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम K2CR2 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट act as strong oxidizing agent, और ये रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है थोड़ा, K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 K2SO4 प्लस Cr2SO4 का ट्राइज प्लस 4H2O प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। देखिए यहाँ पर आपका क्रोमियम प्लस 6 में है और यहाँ पर किसमें है, प्लस 3 में, किसमें बेटा प्लस 3 में है। और अगला जो क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है वो अभी इम्पोर्टेंट है, क्या है, इक्विवेलेंट वेट पूछता है कविता, इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 कहाँ बेटा, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, और ध्यान देखिए बेटा हो क्या रहा बेटा आपका, एक सीआर जो है प्लस 6 में है वो चेंज हो रहा है किसमें, प्लस 3 में, किसके लिए, एक सीआर के लिए, दो सीआर है तो प्लस 12 से चेंज होगा प्लस 6 में, यानी टोटल चेंज कितना है 6 का, यानी एन का मान क्या होगा, जो एन होता है इक्विलिब्रियम वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर या बैलेंसिंग फैक्टर, तो जब आपका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है तो उसमें एन फैक्टर क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपका है K2Cr2O7 उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हो रहा है, पर मोल पूछते हैं तो पर मोल कितना रहेगा, यदि एक सीआर चेंज हो रहा है प्लस 6 से प्लस 3 तो दो क्रोमियम ना, क्रोमियम ना बेटा, तो एक में प्लस चेंज आपका 3 का है, दो में 6 का होगा, इसलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 क्या होगा, इक्वल टू होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ K2Cr2O7 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 6, और ये होगा कितना बेटा, इसकी वैल्यू होगी आपको ध्यान रखना 9294/6 मतलब 49, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखिए, 49 होता है मॉलिक्यूलर वेट आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक मीडियम में, किसमें बेटा एसिडिक मीडियम में, कॉपी के बेटा कॉपी हो गया, उसे बेटा कॉपी करिए और ध्यान रखिए कि आपसे पूछा है इक्विवेलेंट वेट पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक मीडियम में, तो आपको यदि याद रहेगा 49 होता है तो डायरेक्ट लिख देंगे, कैसे आया, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम देखना है हमें पर मूल, तो उससे आपका हो जाएगा। अगला बेटा इसमें ध्यान रखना है, नेक्स्ट आपका रिएक्शन विथ हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसमें देखिए आपका क्या है, Cr2O7 2 माइनस प्लस 4H2O2 प्लस 2H प्लस 2CrO5 यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर्म होता है Cr5 पोटेशियम पेंटोक्साइड, इसका बेटा पहली बात तो आपको स्ट्रक्चर ही याद होना चाहिए क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्वेश्चन में यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर्स का होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर्स का होता है बेटा, यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है किसमें है, प्लस 6 में, किसमें है क्रोमियम, प्लस 6 में, क्योंकि दो परऑक्साइड लिंकेज है, ये परऑक्साइड लिंकेज है, ये परऑक्साइड लिंकेज है, और परऑक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्या होता है, -1 होता है, क्या होता है, -1, तो -1 हो गया और ऑक्साइड में -2, टोटल -6 हो गया, 0 को साइड गया, +6 हो गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम क्या है,
प्लस सिक्स है। यह एक कलर्ड कंपाउंड है, यह एक कलर्ड कंपाउंड है। कलर क्यों होता है इसका? कलर यहाँ पर उसी होता है चार्ज ट्रांसफर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपको क्वेश्चन कहता है यह कंपाउंड कलर्ड है तो पहले आप देखिए उसमें डी में इलेक्ट्रॉन क्या है, डी में इलेक्ट्रॉन जीरो है, इसके बाद जो कलर्ड है तो रिजल्ट होगा ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। फिर आपको देखना होगा पड़ेगा कि लिगेंड जो आपका वो लोन पे रखता है, तो लोन पे रखता है तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके बेटा, फिर हम अगला कंपाउंड देखते हैं। नेक्स्ट आपका है पोटेशियम पर मैग्नेट। कौन सा बेटा? पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। ये बेटा आपका कलर्ड कंपाउंड होता है, पिंक कलर का होता है, जो इसमें भी Mn आपका प्लस सेवन में है। ये अभी क्या होना चाहिए? प्लस सेवन का मतलब डी जीरो। तो ये भी आपको होना चाहिए कलर है, लेकिन ये भी कलर होता है। तो यहाँ भी क्या रीजन है कि Mn4 के कलर का रीजन भी क्या है? चार्ज ट्रांसफर, ना कि डी ट्रांजिशन। क्योंकि डी ट्रांजिशन तो तब होगा ना डी में इलेक्ट्रॉन होंगे, कि Mn4 में Mn प्लस सेवन में रहता है एंड डी जीरो इलेक्ट्रॉन है, तो इसके कलर होने का रीजन चार्ज ट्रांसफर है फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन वहां आए तो आप ये सुन रखा है तो आप क्वेश्चन कर सकें। तो इसका क्या होता है बेटा? के एम एन ओ फोर पोटेशियम डाइक्रोमेट। ध्यान रखिए बेटा, के एम एन ओ फोर इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया जा रहा है, उसको पहचानते रहिए, क्योंकि बेटा आप बोले इसमें कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपको ध्यान रहेगा तभी तो आप पिक कर पाएंगे। ठीक, अब इसमें कुछ कंडीशन होती है, इन ए न्यूट्रल सॉल्यूशन, इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। जब आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल हो तो क्या कंडीशन है? इट एक्ट एज अ मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका जो वो है पावर है वो थोड़ा कम होता है। और इसमें आप पर पूछता है वो है इक्विवेलेंट वेट, आपसे पूछेगा बेटा कि न्यूट्रल में केवल फोर का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, अल्कली में क्या होगा, एसिडिक में क्या होगा, इसमें वैल्यू दी रहती है, आपको पहचानना रहता है। तो फॉर्मूला याद रहेगा तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए ये क्या बेटा आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एल्केलाइन एंड इन एल्केलाइन एंड न्यूट्रल, एल्केलाइन और न्यूट्रल दोनों में सेम होता है। न्यूट्रल मीडिया इज द सेम, ये पहली बात तो ध्यान रखिए। यही पूछ सकता है कि किसमें सेम होता है, एसिडिक में और एल्केलाइन में सेम होता है, न्यूट्रल एल्केलाइन सेम होता है। तो न्यूट्रल और एल्केलाइन में केएमएन मीडियम में KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो सेम होता है, क्योंकि आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज है वो क्या होता है? वह सेम होता है। क्या होती है इसकी वैल्यू? तो मैं इसे लिख रहा हूँ, हो गया फिर अभी कर लिया इसको आपने। तो एसिडिक मतलब एल्केलाइन मीडियम और न्यूट्रल में आपका क्या होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको आपको बता रहे हैं वो होता है आपका मॉलिकुलर वेट बाई थ्री, क्योंकि वहां पर एन फैक्टर जो होता है वो क्या होता है? एन फैक्टर थ्री होता है। एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर आपका थ्री होता है। तो देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल और न्यूट्रल एल्केलाइन मीडियम, न्यूट्रल मीडियम न्यूट्रल होगा एल्केलाइन मीडियम, तो क्या होगा बेटा? होता है मॉलिकुलर वेट ऑफ KMnO4 बाई थ्री। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है, क्योंकि इसका मॉलिकुलर वेट होता है 158 बाई थ्री करेंगे तो 52.9 है। कितना आएगा? 52.9। और अगला पॉइंट देखिए बेटा, इन एसिडिक मीडियम KMnO4
एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ KNO4 इन एसिडिक मीडियम बड़ा न्यूट्रल और अल्कलाइन का सेम होता है, असली कलर होता है वो क्या होता है यहाँ पर होता है मॉलिकुलर वेट ऑफ KNO4/5। ध्यान रखिए बेटा कहाँ क्या फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना होगा। ये क्या होगा 158/5 इक्वल टू होगा 31.6। तो आपसे पूछे अल्कलाइन मीडियम में क्या होगा, न्यूट्रल में क्या होगा, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, KNO4 का मॉलिकुलर वेट मतलब इक्विवेलेंट वेट, तो आप बताते हैं अल्कलाइन और न्यूट्रल में सेम होगा कितना होगा बेटा 42.9 और वहां पर वैलेंस फैक्टर होता है 3 और एसिडिक मीडियम में वैलेंस फैक्टर होता है 5 और आपका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा 31.6 किसका KNO4 का। क्या होगा KNO4 का। अब अगला समझिए नेक्स्ट इसमें ध्यान रखना है वो ये एल्केलाइन KNO4 एल्केलाइन KNO4 यूज फॉर ऑल फिन कंपाउंड मतलब डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स कॉल्ड पेयर्स बेयर्स एजेंट के नाम से हम लोग यूज करते हैं। उन्होंने ऑर्गेनिक पढ़ाई बेटा तो KNO4 की बात है, KNO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या CH3 ग्रुप को CUH ग्रुप में कन्वर्ट करता है, तो वो सब एक्शन हम वहां पर पढ़ेंगे या बता देना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर बिहेव करता है K2CO2 भी KNO4 भी। इसी के साथ हमारा यह डी ब्लॉक का पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। आप ऐसे कॉपी कर लीजिए अच्छे से याद रखिए, बहुत कंप्रेस करके हमने बनाया है जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है डी ब्लॉक के उसके लिए एलिमेंट्स के लिए जनरल जो आपका है वो इसमें दिया है, जो स्पेसिफिक आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और अपने मॉडलिंग में डिस्कस करेंगे उसके लिए हम अलग से चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे या हमने सिर्फ उसके डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उसको डिस्कस किया है और K2CO2/7 और KNO4 के बारे में थोड़ा ब्रॉड डिस्कस किया है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, आप वीडियो पूरा देखिए और अब आप क्योंकि काफ़ी सिलेबस हमने आगे बढ़ा लिया है तो आप रिविजन भी स्टार्ट कर दीजिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा तो मैसेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू।